हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। और आज के इस टॉपिक में हम बहुत सारे ग्राफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं जो काइनेमेटिक्स में यूज़ होते हैं। तो जब भी हम ग्राफ कहा करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले आना चाहिए कि फंक्शन क्या है। और हमने फंक्शन की क्लास में देखा था कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो हमने ये उस समय देखा था कि फंक्शन आर द टूल्स विच डिस्क्राइब अवर रियल वर्ल्ड इन मैथमेटिकल टर्म्स। तो आप ऐसा देखिए कि हमने काइनेमेटिक्स में ऐसा क्या मैथमेटिकल टर्म्स देखा है जो हमारे रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करती है। तो आपको याद होगा कि जितने लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने ये देखा था कि हमारे जो वन डायमेंशन मोशन होते हैं जिसमें कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो उसमें हमने तीन इक्वेशन डेराइव किए थे और उसको हमने एज अ इक्वेशन ही अंडरस्टैंडिंग ली थी और उससे कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। लेकिन आज उसी इक्वेशंस को हम एज अ ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, एज अ फंक्शन देखने वाले हैं। तो अभी उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लीजिए। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने लिखा था वन डायमेंशन मोशन, एंड ये मोशन तो है ही, लेकिन इसके साथ एक एजम्पशन भी थी। एजम्पशन ये था कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। इस एजम्पशन के साथ हमने वर्क किया था और तीन इक्वेशन लिखे थे। हमारा पहला इक्वेशन था वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। हमारा दूसरा इक्वेशन था वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट। और हमारा तीसरा इक्वेशन था एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि इसमें एक आउटपुट वेरिएबल है। आउटपुट वेरिएबल किसको बोलते हैं हम, जिसमें जिसकी वैल्यू हमें निकालनी हो। तो इसमें क्लियर है कि हमें वी एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो बेसिकली आउटपुट वेरिएबल है। तो इसमें भी वी एक्स की वैल्यू निकल रही है, इसमें भी वी एक्स की वैल्यू निकल रही है और इसमें एक्स की वैल्यू निकल रही है। तो हम ऐसा मान सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम दूसरे फॉर्म में भी लिख दें तो और क्लियर होगा आपको, एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो हमको ये समझ में आ रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा गया है, ये वी एक्स एंड ये भी वी एक्स है, ये और ये एक्स, बेसिकली ये है हमारे आउटपुट वेरिएबल। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि इनपुट वेरिएबल कौन सा है। क्या यू एक्स इनपुट वेरिएबल है, क्या ए एक्स इनपुट वेरिएबल है, या टी इनपुट वेरिएबल है। आप ध्यान दीजिएगा कि कोई जब मोशन स्टार्ट होता है तो उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और ये इनिशियल वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं होती है। तो यू एक्स हमारा इनपुट वेरिएबल नहीं हो सकता। वेरिएबल का मतलब ही है कि चेंज होना, लेकिन ये तो चेंज होता नहीं है। कोई एक मोशन अगर हो रहा है उसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी अगर डिफाइन कर दी तो उसमें कभी चेंज नहीं होगा। तो ये क्लियर हो गया कि यू एक्स जो है हमारा इनपुट वेरिएबल नहीं है। वॉट अबाउट ए एक्स, हमने तो इस एजम्पशन में ही जब इक्वेशन डेराइव कर रहे थे तभी हमने ये एज्यूम किया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, मतलब ये भी चेंज नहीं हो रहा है मोशन में। जिस मोशन को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उस मोशन में ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल बेसिकली है ही नहीं, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। ये जो पैरामीटर है वो चेंज हो नहीं रहा है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो ए एक्स भी कॉन्स्टेंट हो गया, यू एक्स भी कॉन्स्टेंट हो गया, तो बचा कौन, समय। और हमको पता है कि जो समय है वो निरंतर चलायमान होती है, इस कारण से इसकी वैल्यू तो निरंतर चेंज होगी मोशन के साथ साथ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी एक्स इज फंक्शन ऑफ टी। अगर सिमिलरली हम यहां बात करें वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे जो यू एक्स है वो भी कॉन्स्टेंट है, ए एक्स वो भी कॉन्स्टेंट है, एक्स नॉट क्या होती है, रेफरेंस फ्रेम से वो वाली पोजीशन जहां से मोशन स्टार्ट हो रही है उसको हम एक्स नॉट बोलते हैं। तो ये भी कांस्टेंट है ये, क्योंकि ये भी समय के साथ तो चेंज होगी नहीं उस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो बचा कौन, एक्स,
एक्स बताता है डिस्प्लेसमेंट को, और हमें यह पता है कि डिस्प्लेसमेंट समय के साथ चेंज होती है। तो ये कुल मिला के हमको ये समझ में आया कि वी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, यू एक्स कॉन्स्टेंट है, ए एक्स कॉन्स्टेंट है, बचा क्या टी। तो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो अगर हम इन तीनों इक्वेशन को एज अ फंक्शन रीड करना चाहें तो इसमें एक इनपुट और एक आउटपुट वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल है ये हमारा टी, तो इसको हम बोलेंगे इनपुट वेरिएबल। चलिए अब इसको एज अ फंक्शन लिख लें, फिर उसको हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हम सबसे पहले ये लिख सकते हैं कि वी एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी। सेकेंड वाले केस के लिए हम ये लिख सकते हैं कि वी एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स, एंड तीसरे वाले केस में लिख सकते हैं एक्स इज फंक्शन ऑफ टी। इसका ये मतलब है कि यहां पे टी इनपुट वेरिएबल है, उसका आउटपुट वेरिएबल है एक्स वी एक्स, यहां पे एक्स इनपुट वेरिएबल है, उसका आउटपुट वेरिएबल है वी एक्स, यहां पे टी इनपुट वेरिएबल है, आउटपुट वेरिएबल है एक्स। लेकिन ये तीनों फंक्शन तो सेम नहीं है, इसलिए उस फंक्शन को या तो अलग नाम से लिखना पड़ेगा या यहां पे हम इस टाइप से 1, 2, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों ही फंक्शन अलग अलग हैं। ये तो हो गया, हमको अभी ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हमें प्लॉट भी करना है, हम इसकी प्लॉटिंग करना चाहते हैं। तो इससे हम क्या क्या प्लॉट कर सकते हैं। वी एक्स डिपेंड कर रहा है टी पे, तो हम इसका सबसे पहला ग्राफ बना सकते हैं वी एक्स वर्सेस टी ग्राफ, हम ये ग्राफ बना सकते हैं। दूसरा, यहां पे आप देख रहे हैं वी एक्स डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो हम ऐसा भी ग्राफ ले सकते हैं वी एक्स वर्सेस एक्स ग्राफ, इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। कोई ना कोई इक्वेशन तो है जिसको हम प्लॉट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। तीसरा हमारा ये है एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ पे क्लियरली डिफाइन कर रहा हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि सम टाइम हम एक्स को डिस्टेंस से भी देते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये भी हम लिख सकते हैं। और उसी तरीके से कुछ और ग्राफ है जिसको हम स्टडी करेंगे, वो है एक्स, जहाँ पे एक्स को मैं अभी डिस्टेंस लिख रहा हूँ, डिस्टेंस वर्सेस टी ग्राफ, ये हम स्टडी करेंगे। और पांचवा हम स्टडी करेंगे ए एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, इसको ए एक्स लिख देता हूं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कुछ ग्राफ ऐसे हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। हमारा वी एक्स वर्सेस टी ग्राफ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लिए एक्स वर्सेस मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी ग्राफ ज्यादा मायने रखते हैं। सिमिलरली दिस और ए एक्स वर्सेस टी ग्राफ, ये सिर्फ एनालिसिस करने के लिए है, तो ये भी हमारे लिए मायने रखते हैं। ये दोनों वी एक्स वर्सेस टी ग्राफ और एक्स वर्सेस टी ग्राफ में क्यों ज्यादा मीनिंग है, क्योंकि हमको ये पता है कि डी वी एक्स बाई अगर डी टी करता हूं तो मेरे पास एक नया पैरामीटर जनरेट होता है जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन दिया हो जो समय के साथ चेंज हो रहा है वी का, और उसका अगर हम प्लॉटिंग कर रहे हो, तो हम उस ग्राफ से एक दूसरा इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं, एक दूसरे पैरामीटर की चर्चा भी कर सकते हैं, और वो है कौन सा, एक्सेलरेशन। ये क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज स्लोप ऑफ वी एक्स वर्सेस टी ग्राफ एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लें और वहां पे अगर हम स्लोप निकालें, अभी यहां के चूंकि मैंने कोई एक पर्टिकुलर वी एक्स के लिए बात नहीं की है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने ये बात नहीं की है, इसलिए एक एनी पॉइंट के लिए उस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे अगर मैं ये एक्सेलरेशन उसका स्लोप लिखना चाहूं, तो वो जो स्लोप होगा वो बेसिकली क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा। इसलिए ये वी एक्स वर्सेस टी ग्राफ हमारे लिए ज्यादा मायने रखती हैं। सिमिलरली अगर आप डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी ग्राफ के बारे में डिस्कशन करें, तो इससे भी हमें एक बात पता चलती है, वो कौन सा बात पता चलता है, dx बाई डी टी अगर हम करते हैं तो इसका मतलब होता है vx, और vx इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ पैरामीटर जो वेलोसिटी है,
वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप है किसी पॉइंट पे, वो क्या बताएगा, उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताता है। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसलिए एक्स वर्सेस टी ग्राफ भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है हमारे लिए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ, जहां एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, ये जो एक्स है उसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टी ग्राफ है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें एक पैरामीटर मिल रहा है जो कि वी एक्स है। और ये जो छोटे छोटे पैरामीटर्स को मिलाकर जो ग्राफ बना हुआ है और इससे जो अंडरस्टैंडिंग हमें आती है, वही बेसिकली आज का सब्जेक्ट है, ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। उसमें हम इन सब चीज़ों को डिड्यूस करने वाले हैं कि कैसे ये पैरामीटर्स डिस्क्राइब होते हैं उस ग्राफ में, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम इसको सबसे पहले एक एनालिटिकल वे में देखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को समझते हैं, फिर मैथमेटिकल वे में देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके भी समझेंगे। तो अभी सबसे पहले हम वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी के ग्राफ के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेंगे। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम वी एक्स वर्सेस टी ग्राफ के बारे में इनिशियली स्टडी करेंगे अभी। फ्रेंड्स, अभी जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी के लिए पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्राफ फॉर वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। हमने अभी अभी देखा कि दिस इज वी एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वी एक्स जो है फंक्शन ऑफ टी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम अब प्लॉट कैसे करें। तो आप देख रहे होंगे कि जो वी एक्स है वो दो पार्ट में है, बेसिकली दो फंक्शन का ये समेशन है, ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं। एक फंक्शन जो कि यू एक्स है एंड दूसरा फंक्शन ए एक्स प्लस टी है। तो मैं इस वी एक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, वी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम वी वन ले लेते हैं, वी वन इज इक्वल टू यू एक्स एंड वी एक्स टू इज इक्वल टू ए एक्स टी। मैंने दो ग्राफ बनाया और दो ग्राफ बनाना चाहता हूँ बेसिकली, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग लूँ कि ये हो क्या रहा है, और उसके बाद मैं वी एक्स लिखना चाहता हूँ इन दोनों का समेसन। मतलब वी एक्स इज इक्वल टू समेसन ऑफ टू फंक्शन वी एक्स वन एंड वी एक्स टू। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा समझिए कि ये जो वी एक्स है कुछ ऐसा ग्राफ है जो समय के साथ चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि वी एक्स कॉन्स्टेंट है। ऐसे ग्राफ को प्लॉट करने का बड़ा आसान तरीका होता है, वो हमें पता है। मान लीजिए कि मैं यहां पे एक एक्सिस प्लॉट कर रहा हूं और ये उसका दूसरा एक्सिस है, इधर को मैंने टाइम एक्सिस दिया है और इधर को मैं लिख रहा हूं वी एक्स वन। हमको ये पता है कि जो वी एक्स वन है वो बेसिकली यू एक्स है और ये समय के साथ डिपेंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके समय के साथ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है तो 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट रहेगा। तो हमें ये समझ में आया कि चाहे मैं समय यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, इसकी अगर कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, सपोज समय टी इज इक्वल टू जीरो पे कोई एक, मतलब इनिशियल पे कोई अगर है, कोई एक वेलोसिटी है, कोई एक वैल्यू है, तो वो इस टाइम पे भी रहेगा, वहीं पे ही रहेगा, इस टाइम पे भी रहेगा, इस टाइम पे भी रहेगा और इस टाइम पे भी रहेगा। नॉट ओनली इतना, इनके बीच में कोई भी समय ले लूं या उधर भी कोई भी समय ले लूं, उसके समय में किसी प्रकार की चेंजेस नहीं हो रही है, क्योंकि जो वी एक्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है, मतलब टी के साथ डिपेंड नहीं कर रही है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग सिंपली ऐसा खींच सकते हैं, ऐसा। तो ये ग्राफ हमको समझ में आ गया कि हाँ, ये जो वी एक्स है वो कुछ, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा यू एक्स। तो यू एक्स इज इक्वल टू इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। हम दूसरा ग्राफ देखें वी एक्स टू के बारे में, वी एक्स टू फंक्शन ऑफ टी है
और ये फंक्शन ऑफ टी है, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो अगर टी इज इक्वल टू मैं जीरो कर दूंगा तो वी एक्स टू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ये फंक्शन। थोड़ा सा एक और एजम्पशन लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू सपोज 1 m/s² अगर मैं लिखता हूँ तो हमको ये पता चल जाएगा कि वी एक्स टू इज इक्वल टू केवल टी, क्योंकि ए की वैल्यू तो 1 हो गई, तो बचा क्या, वी एक्स टू इज इक्वल टू टी। अगर ऐसा इसके लिए, इस फंक्शन के लिए मैं कुछ ग्राफ लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। ये हमने ग्राफ खींचा, इधर मैंने वी एक्स टू को रिप्रेजेंट किया और इधर टी को रिप्रेजेंट किया। ये t इज इक्वल टू जीरो से चालू होता है, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 3 एंड लाइक दैट। अब t इज इक्वल टू 1, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो वी एक्स टू की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहाँ पे ये 1 होगा लगभग इस पैरामीटर पे मान लीजिए, तो यहाँ पे ये हो गया 1। उसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ, अगर इसकी वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो ये पहुँच जाएगा यहाँ पे इसके 2 वाले पे, तो ये सम सॉर्ट ऑफ यहां पे आ जाएगा। अगर t की वैल्यू को मैं 3 रखता हूं तो vx2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये सम सॉर्ट ऑफ ये यहां पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से अगर t की वैल्यू 0 है तो यहां पे है, t की वैल्यू 1 है तो यहां पे है ये, तो इससे जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ ऐसा लीनियर रहेगा। हमने ये ग्राफ की क्लास में देखा भी था कि ये जो है एक सरल रेखा को निरूपित करती, एक लाइन को निरूपित करता है इस टाइप से ग्राफ, और इसका जो पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वाई एक्सिस को, वो ओरिजिन पे है। तो इस टाइप से ग्राफ को हम ऐसा निरूपित करते हैं। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं, ये तो हो गया उसके लिए जिसके लिए ए एक्स की वैल्यू 1 है, अगर ए एक्स की वैल्यू 2 कर दिया जाए तो क्या होगा, ax इज इक्वल टू 2 m/s² अगर मैं ले लेता हूं तो आप ध्यान रखिए कि ये अब वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एक्स टू इज इक्वल टू 2t। और जैसे ये 2t हुआ, जैसे ये 2t हुआ, अगर मैं t इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो अब इसकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी, और अगर मैं यहां पे 2 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कुछ 4 पे आ जाएगी, ये इसका 4 समवेयर 2 पे यहां कहीं होगा, ये 4 है। तो अब जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये किसके लिए है, ये है ax इज इक्वल टू 2 के लिए। अगर ax की वैल्यू अब 0.5 रख दें, सपोज ax की वैल्यू 0.5 m/s² रखते हैं, तो इसके लिए वी एक्स टू की वैल्यू हो जाएगी 0.5t। ये अलग अलग फंक्शन है, इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, इसको अनदर फंक्शन और इसको अनदर फंक्शन। तो अगर वी एक्स टू इज इक्वल टू 0.5t वाला अगर मुझे ग्राफ खींचना है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो वी एक्स टू की वैल्यू 0.5 होगी, मतलब समवेयर हियर ये 0.5 है। अगर मैं इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो ये 1 पे होगी, 1 मतलब समवेयर हियर। अगर मैं इसको 3 रखता हूं तो ये हो जाएगी वी एक्स टू की वैल्यू 1.5, 1.5 मतलब समवेयर हियर। तो इससे जो ग्राफ खींचने वाला है या ग्राफ बनने वाला है कुछ इस तरीके से बनेगा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है करस्पॉन्डिंगली ax इज इक्वल टू 0.5। ये तो हमने एक एनालिटिकल वे में देखा, एक एनालिटिकल वे में समझा, इसको बड़े आसानी से भी समझ सकते थे। इतना जो हमने यहाँ पे ग्राफ समझ समझ के खींचा, उसे खींचने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, ये किसका ग्राफ है, वी वर्सेस टी ग्राफ है, और वी वर्सेस टी ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप क्या बताता है हमें, उसका एसलेरेशन। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं स्लोप निकाल लूं तो उसका जो एसलेरेशन को बताएगा उस पॉइंट पे। आपको ध्यान होगा कि यहां पे जो स्लोप है, स्लोप मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एंगल है वो एंगल बना रही है ज्यादा, यहां पे बना रही है कम। अगर मैं ये थीटा 1 लूं, ये थीटा 2 लूं
और यहां पे अगर देखूं थीटा थ्री, तो ये क्लियर हो रहा है मुझे थीटा थ्री इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। इसका मतलब धीरे धीरे स्लोप बढ़ रहा है, इधर की ओर स्लोप में बढ़ोतरी हो रही है और इधर की ओर स्लोप में कमी हो रही है। ये जो डायरेक्शन जो मैंने दिया है उसमें स्लोप बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन पे स्लोप में कमी हो रही है। तो स्लोप का बढ़ना इसका मतलब है ax का बढ़ना। आप देख रहे होगे 0.5 से 1 गया, 1 से 2 गया। स्लोप का बढ़ना भी x t ग्राफ में स्लोप का बढ़ना किसको बताता है? एक्सेलरेशन को बताता है। स्लोप का कम होना किसको बताता है? एक्सेलरेशन का कम होने को बताता है। स्लोप का कांस्टेंट होना, यहां पे स्लोप कांस्टेंट क्या, यहां पे जीरो है, इनफैक्ट बढ़ ही नहीं रहा है। यहां पे थीटा इज इक्वल टू जीरो है। अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, स्लोप तो है ही नहीं। स्लोप तो जब है ही नहीं तो यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है। तो हमको यह समझ में आया कि ये जो वी एक्स टी ग्राफ होता है बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। अगर हमको दो इस टाइप से ग्राफ दिए हैं और उसमें हमें यह पूछा जाए कि किसमें कितना एक्सेलरेशन है, तो सबसे पहले आप स्लोप नाप लीजिए, स्लोप नाप के उसका एक्सेलरेशन बता दीजिए। या फिर हमें कंपेरेटिवली एनालिसिस करने के लिए बोला जाए कि इधर की ओर स्लोप जब बढ़ रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन में क्या चेंजेस हो रही है। तो अगर स्लोप बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और बढ़ता जा रहा है, अगर स्लोप में कमी पाई जा रही है तो एक्सेलरेशन में भी धीरे धीरे कमी पाई जाएगी। जो इसमें इस ग्राफ से इस ग्राफ को कंपेरिजन करेंगे तो ये एक्सेलरेशन का कम है, इस ग्राफ से इस ग्राफ को कंपेरिजन करेंगे तो इस ग्राफ का एक्सेलरेशन कम है। तो हमें ये समझ में आया कि जो वी एक्स टी ग्राफ है वो बेसिकली हम उससे एक्सेलरेशन पैरामीटर को भी स्टडी कर सकते हैं। तो ये इसलिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है। और इस ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें जो लाइन जो फंक्शन को प्लॉट किया जाता है वो फंक्शन स्ट्रेट लाइन होती है, क्योंकि वाई इज वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अभी हम उसको देखेंगे और अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अब इसमें हम फिर से अपने पुराने वाले वी एक्स में आ जाते हैं। बेसिकली अभी तो वी एक्स है नहीं, वी एक्स टू है, वी एक्स वन है। तो वी एक्स में हमको यह समझ में आता है कि दिस इज द समेशन ऑफ टू। अब यह समझिए कि अगर मैं इसको इसमें समेशन करूं मतलब इसका हर पॉइंट यू एक्स से ऊपर चला जाएगा, हर पॉइंट, क्योंकि ये तो देखेंगे कि ये जो चीज है उसको हर पॉइंट पे मुझे जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं ये t इज इक्वल टू वन, t इज इक्वल टू टू, t इज इक्वल टू थ्री, t इज इक्वल टू फोर, और सपोज यू एक्स की वैल्यू टू है, तो ये मान के चलिए कि t इज इक्वल टू जीरो में टू जोड़ूंगा तो कहां पहुंच जाएगा पॉइंट, टू पे पहुंच जाएगा। t इज इक्वल टू वन, t इज इक्वल टू वन पे सपोज ये पॉइंट वन पे है तो वन प्लस टू जुड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अभी भी टू है तो वन पॉइंट टू जुड़ेगा तो थ्री पे पहुंच जाएगा, मतलब यहां कहीं पहुंच जाएगा। समझ जाइए एग्जाम्पल के तौर पर, अभी मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं ए एक्स इज इक्वल टू वन के लिए। उसी प्रकार t इज इक्वल टू टू, t इज इक्वल टू टू पे इसकी वैल्यू है फोर, और t इज इक्वल टू टू पे यहां पे वैल्यू है टू, तो टू प्लस टू फोर, तो ये हो गया समवेयर यहां कहीं। उसी प्रकार t इज इक्वल टू थ्री पे इसकी वैल्यू है थ्री, और थ्री प्लस टू फाइव हो गया, तो समवेयर ये पहुंच जाएगा यहां कहीं। और अगर इन दोनों प्लॉट को, इन दोनों वी एक्स वन एंड वी एक्स टू को अगर जोड़ के कोई तीसरा प्लॉटिंग करना चाहें जो कि वी एक्स का होगा, जो कि मैं समेशन के फॉर्म में लिख रहा था, तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये हमारा हो गया वी एक्स और इधर हो गया टी, और इस तरीके से, क्यों आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो यह समवेयर ऐसा मिलेगा। ये तो मैं जोड़ के आपको दिखा रहा था। तो सिमिलरली ये पूरा जुड़ के जो है, ये जो वी एक्स है, ये वी एक्स इज इक्वल टू बेसिकली वी एक्स वन प्लस वी एक्स टू है। ये यहां पे टू को बता रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हर पॉइंट इस तरीके से, ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली ग्राफ, ये येलो वाली ग्राफ, ये बीच वाली ग्राफ, मिडिल वाली ग्राफ, वो पूरी ग्राफ यहां पर शिफ्ट हो गई है इतने ऊपर से।
हमने इसको ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में भी देखा था, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में देखा था कि अगर आपको इस तरीके से कोई ग्राफ पता है, जो कोई एक सपोज कोई ग्राफ पता है और उसके हर वैल्यू पे कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाए तो वो ऊपर की ओर वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो जाती है, अगर पॉजिटिव जोड़ा जाए, नेगेटिव जोड़ा जाए तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास में देखा था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है और अगर आपको ये बोला जाए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, इसका क्या पोजीशन होगा, तो जो नोन ग्राफ है, मैंने आपको ये बताया था कि जो नोन ग्राफ है उसको y में a पॉइंट से ऊपर उठा देना है, उस पूरे ग्राफ को a पॉइंट से लिफ्ट कर देना है। तो यहां भी तो वही हो रहा है, हमारे पास अभी क्या ग्राफ पता है, हमको ये पता है कि वी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टी पता है। अब इसको मुझे ये ग्राफ बनाना है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, मतलब इस पूरे ए एक्स को यू एक्स से लिफ्ट करना है, और यू एक्स क्या है, यही तो है, मैं यू एक्स से लिफ्ट तो किया हूं पूरे ग्राफ को। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में भी देखा था, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के क्लास में भी देखा था। अभी फ्रेंड्स हम ये देखने वाले हैं कि ये जितने भी फंक्शन है, जो अभी हम इसको एक एनालिटिकल वे में देखा कि अगर मैं t की वैल्यू इतना रखता हूं तो मेरा प्लॉट ये होगा, t की वैल्यू उतना रखता हूं तो मेरा प्लॉट ये होगा, यहां पे पॉइंट्स आएंगे एंड उसको मैं प्लॉट करूंगा, क्या हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़े थे ग्राफ में, लाइन का पढ़ा था, पैराबोला का पढ़ा था, सर्कल का पढ़ा था, क्या उसमें मैं फिट कर सकता हूं और उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूं? तो चलिए आइए उस लाइन के इक्वेशन को थोड़ा रिवाइज कर लें। फ्रेंड्स अभी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लाइन के लिए पढ़ा था उससे कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन को, और वो प्लॉटिंग याद रखते हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए हमने सीखा था, और उससे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन का, तो इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें m का क्या मतलब है, m इज स्लोप, m किसको बताता है, स्लोप ऑफ दैट लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। c किसको बताता है, c बताता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विथ y एक्सिस, y एक्सिस के साथ लाइन जहां पे क्रॉस करती है, कट करती है, वो डिस्टेंस ओरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको हम c कहते हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो इसमें हम इसको प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉट करने के लिए हमने सीखा था, देखा था कि ये मान लीजिए आपका y एक्सिस है और इधर मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। सपोज लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करती है तो ये लाइन हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, और ये जो थीटा है बेसिकली टेन थीटा, जो स्लोप जो बोलते हैं, जिसको हम m से निरूपित कर रहे हैं, ये चीज होती है m, ये हमने देखा था। और ये जो लाइन है, ये लाइन किसको शो कर रही है, बेसिकली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो सकती है, ये जो ढलान है वो नेगेटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव स्लोप है, अगर इसी पॉइंट को कट करते हुए, अब ये जो C है, ये C यहाँ नीचे भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि C ऊपर ही हो, C हो सकता है यहाँ पे हो नेगेटिव डायरेक्शन में और स्लोप हमारा पॉजिटिव हो, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ये भी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को शो करती है, अभी भी स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, मतलब स्लोप यहाँ पे जीरो होता है, धीरे धीरे एंटी क्लॉक वाइज घुमाते जाते हैं तो स्लोप बढ़ता जाता है, इसका मीनिंग यही होता है। स्लोप को जो मेजरमेंट होता है, स्लोप एंगल को मेजरमेंट करने का तरीका ये होता है कि आप उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल रख के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको रोटेट करें तो स्लोप को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेक्शन ये जो है सी पॉइंट वो नेगेटिव है, यहाँ पे इंटरसेक्शन सी पॉइंट पॉजिटिव है, तो इसको मैं पॉजिटिव सी लिख रहा हूँ, इसको नेगेटिव सी लिख रहा हूँ। अगर स्लोप नेगेटिव हो जाए, स्लोप नेगेटिव हो जाए तो ग्राफ कैसे बनेगा, लाइक दिस, नीचे की ओर बनेगा और ये पॉजिटिव रहे तो। अगर स्लोप भी नेगेटिव है, इंटरसेक्शन पॉइंट भी नेगेटिव है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। तो ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अलग अलग ग्राफ कि स्लोप कैसा है,
नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में बनेंगे, मतलब अगर m की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे भी m की वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे की ओर रहेगा, लाइन इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि नीचे की ओर रहेगा, इस तरीके से डायरेक्शंस रहेंगे स्लोप के अकॉर्डिंगली। एंड दूसरा c क्या है, c पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो सम होयर यहाँ कहीं लाई करेगा और वहाँ से स्लोप नीचे की ओर जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो यहाँ कहीं लाई करेगा और इस तरीके से नीचे की ओर जाएगा। तो हमको ये समझ में आ गया कि m इज इक्वल टू नेगेटिव है तो इस टाइप से ग्राफ बनेंगे, अगर m इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो इस तरीके से ग्राफ बनेंगे, यहाँ पे भी m की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनता है। ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, उसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए इस टाइप से ग्राफ, चारों में से कोई एक ग्राफ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चारों ग्राफ बनेंगे, चारों में से कोई एक ग्राफ बनेगा। और अगर c की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये ग्राफ आइदर ऐसा हो सकता है पॉजिटिव m के लिए, और नेगेटिव m के लिए ये ग्राफ ऐसा हो सकता है। तो हमको ये समझ में आया कि ये नेगेटिव m है एंड c इज इक्वल टू जीरो है, और ये जो है ये ग्राफ पॉजिटिव m है एंड c इज इक्वल टू जीरो है। तो ये छह टाइप से ग्राफ में से कोई एक ग्राफ पिक होने वाला है इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंगली। अभी ये समझ में आने वाला है कि यहां पे vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी को अगर कंपेरिजन करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि y के जगह पे क्या है, vx है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि y को हम vx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, c को हम ux से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो c है हमारा हम उसको ux से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो x है ये x वो डिस्प्लेसमेंट वाला x नहीं है, ये y और x जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के y एंड x होते हैं वो वाले हैं, तो ये जो x है उसको हम t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो गया t से। व्हाट अबाउट m, जो स्लोप है ग्राफ का, जो स्लोप है किसी पॉइंट पे, वो स्लोप बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ax को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां तो क्लियर है, अगर आप इसको मैथमेटिक्स में देखना चाहते हैं तो ये एकदम क्लियर है कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है और वो है ax, ये क्लियर है। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो एकदम परफेक्ट है। दिस इज बेसिकली अगर हम इसमें vx वर्सेस t ग्राफ खींचना चाहें तो ये ग्राफ जो रहेगा बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा इस ग्राफ का, क्योंकि ये सिमिलर है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं उसी पे ये फिट कर रहा है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल से इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स हमें ये क्लियर होता है कि मान लीजिए कि आपके पास ये बंदा है और ये बंदा यहाँ से एक बॉल को फेंक रहा है नीचे, ये हमने इसको बहुत बार इस एग्जाम्पल को यूज़ किया है, और ये ऊपर की ओर फेंक रहा है। जब ऊपर की ओर ये फेंक रहा है तो धीरे धीरे बॉल ऊपर की ओर जाएगी ऐसा, और एक मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद ये नीचे की ओर आएगी, ये नीचे की ओर और भी आएगी, यहां पे ये डायरेक्टली स्ट्राइक करेगी इस तरीके से। लेकिन अभी जो मैं प्लॉट करने वाला हूं, मैं केवल उतना मोशन को प्लॉट करने वाला हूं जिसमें कुछ चेंजेस हो रही है, और वो चेंजेस क्या हो रही है, यहां तक का केवल मैं इस सेक्शन का ग्राफ को प्लॉट करना चाहता हूं, उतने समय के लिए मैं प्लॉट करना चाहता हूं। अगर ये t इज इक्वल टू जीरो समय पे यहां पे है तो ये t इज इक्वल टू सम t समय पे वहां पे होगा, मैं उतना ही दूरी को प्लॉट करना चाह रहा हूं, मतलब ये वाली मोशन, ये यहां से ऊपर गई और वहां से नीचे आए। हमको ये भी पता है फ्री फॉल के डेफिनेशन से कि अगर मैं इसका इनिशियल को ux लेता हूं या u ले लीजिए जो भी आप डिफाइन करना चाहें, तो इस पॉइंट पे अगेन t पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी ux ही होगी, एक ऊपर की ओर आ रहा है एक नीचे की ओर आ रहा है, इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है यहाँ पे भी वो जीरो पे होगी मैक्सिमम हाइट पे, ये भी हमें पता है फ्री फॉल के डेफिनेशन से। और हमें क्या क्या चीज पता है, ये जो t समय लेगा यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए उसकी वैल्यू रहेगी ux by g, और सिमिलरली वहां से यहां आने के लिए भी जो t समय लेगा, अगर इसको मैं t1 लेता हूं इसको मैं t2 लेता हूं, तो वो भी ux by g रहेगा।
इस तरीके से जो टोटल टाइम रहेगा दैट टाइम इज इक्वल टू जिसको मैं टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा हूं वो रहेगा 2ux/g। तो इस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से लेकर यहां तक के टाइम ऑफ फ्लाइट हम इस तरीके से लिखा करते हैं। इसके लिए अगर मैं एक इक्वेशन लिखना चाहूं तो इक्वेशन बड़े आसानी से लिख सकता हूं। यहां पे मुझे एक रेफरेंस फ्रेम चूज करना पड़ेगा इक्वेशन के लिए। मैंने ये एक्स एक्सिस माना, ये वाई एक्सिस माना, दिस इज एक्स दिस इज वाई, और इस एक्सिस के लिए मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूं। मुझे ये क्लियर है कि जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर है, जी एक्सेलरेशन, और मैंने जो यहां एक्स एक्सिस माना है वो एक्स एक्सिस ऊपर की ओर माना है। इसका मतलब ये है कि ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी, हमको ये समझ में आ गया ए एक्स इज इक्वल टू माइनस जी। व्हाट अबाउट यू एक्स, चूंकि ये ऊपर की ओर ही जा रहा है, मैंने एक्सिस को भी ऊपर की ओर ही माना है, तो यू एक्स तो पॉजिटिव रहेगा। जो भी वैल्यू है, सपोज यू एक्स की वैल्यू मैं यू मान लेता हूं तो यहां पे भी यू आ जाएगी, तो ये जो पॉजिटिव है तो मतलब ये एक यू रहेगी, यू वैल्यू है यू एक्स की, और यहां से लेकर यहां तक के मोशन के लिए वी इज इक्वल टू जीरो हो गया, और फिर अगेन धीरे धीरे बढ़ता गया और ये बढ़ गया। क्या हम इसको प्लॉट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, हम फंक्शन लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अब यहां से लेकर यहां तक के टाइम के लिए ये वाला मैंने फंक्शन लिखा हुआ है। इस फंक्शन में थोड़ा सा फॉर्मूला फिट करिए, यू एक्स की वैल्यू यू है, ए एक्स की वैल्यू माइनस जी है, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। ये समय के साथ चेंज हो रही फंक्शन है। ये क्या है, अगेन एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पे जो स्लोप है वो माइनस जी है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है। तो इस ग्राफ को मैं प्लॉट करना चाहता हूं, इस ग्राफ को मैं प्लॉट करना चाहता हूं, और ये मतलब ये है कि अगर मैं वी वर्सेस टी ग्राफ खींचूंगा तो ये एक ऐसे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो लाइन वी एक्सिस को पॉजिटिव यू पे काट रही है, क्योंकि सी तो यहां पे पॉजिटिव है। ये क्या है, बेसिकली सी इज इक्वल टू, इसको आप इससे कंपेरिजन करें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो सी यहां पे पॉजिटिव है, एम यहां पे नेगेटिव है। तो इस ग्राफ में ध्यान दीजिए कि ऐसा कौन सा लाइन है जो इसको निरूपित करता है, तो डेफिनेटली ये वाला लाइन, सी पॉजिटिव है एम नेगेटिव है। तो हम इस छह में से कौन सा लाइन को चूज करने वाले हैं, तो इस वाले लाइन को चूज करने वाले हैं। तो हम इसको अभी प्लॉट करेंगे, ये यहां से यहां तक मतलब ए टू बी, ऐसा मान लीजिए ए टू बी एंड बी टू सी, इतने पोजीशन के लिए बेसिकली ए और सी सेम ही पोजीशन है, सेम पॉइंट पे कॉन्साइट करते हैं, कि मैंने अलग अलग दिखाया है बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी हम इस मोशन को एज अ ग्राफ देखने वाले हैं, जो पहले एज अ इक्वेशन देखे थे उससे कुछ कुछ वैल्यू निकाले थे, अभी हम उसी से ग्राफ देखने वाले हैं। ग्राफ में इसको कैसे प्लॉट करेंगे फ्रेंड्स, अभी हमने जो इक्वेशन देखा वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से आया था, वी एक्स इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लग दें तो जी टी प्लस यू, ताकि मैं इसको कंपेरिजन कर सकूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m की वैल्यू माइनस जी है, c की वैल्यू u है, और y की वैल्यू वी एक्स है। तो ये ग्राफ हम खींचने वाले हैं। तो सिंपल, इस ग्राफ को खींचने का सिंपल तरीका, यहां पे t इज इक्वल टू जीरो है, और t इज इक्वल टू अगर इस इक्वेशन पे जीरो रख देते तो वी एक्स की वैल्यू u मिल जाएगी, मतलब सम होयर यहां, और ये ग्राफ में नेगेटिव g है, मतलब नीचे की ओर स्लोप, ऐसा ये मिल गया हमारा u। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये u है और ये है vx। t इज इक्वल टू जीरो पे vx इज इक्वल टू यू होता है। आप देख लीजिए t इज इक्वल टू अगर हम जीरो पुट करते हैं तो vx इज इक्वल टू यू होता है, वो यहां से दिख भी रहा है। और ये एक ऐसा समय है जहां पे t की वैल्यू कुछ होती है लेकिन vx की वैल्यू जीरो होती है। ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेसिकली मैक्सिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम हाइट, सॉरी ये मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल या पार्टिकल जो ले लीजिए, मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस बॉल की।
क्यों? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी जीरो हो गई है, ये एक ऐसा एक्सिस है जहां पे वेलोसिटी जीरो होता है। अब वेलोसिटी जीरो तो हो गई है, अब क्या होता है, बॉल धीरे धीरे अपना वेलोसिटी गेन करने लगता है, गेन करने लगता है। अभी भी ये जो इक्वेशन है ये थ्रू आउट द मोशन सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाली है। ये इक्वेशन चाहे मैं टी इज इक्वल टू, अगर मैं यू बाई जी रखूं, आप रख के देखिए, t इज इक्वल टू यू बाई जी, अगर t इज इक्वल टू यू बाई जी रख देंगे तो ये u बाई जी यहाँ पे आ जाएगा, g से g कैंसल आउट, u माइनस यू जीरो, मतलब ये मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे मैक्सिमम हाइट है। अब t इज इक्वल टू आप 2u बाई जी रखिए, t इज इक्वल टू 2u बाई जी रखिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u माइनस 2u, मतलब vx इज इक्वल टू माइनस यू। ये वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे बॉल ऊपर गया, ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद जहां जिस लेबल से उसको फेंका गया था उसी लेबल पे वापस आ गया, क्योंकि उस लेबल पे उस बॉल का सेम वेलोसिटी होता है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है, मुझे इक्वेशन बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर आपने, अगर वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ऐसे मोशन को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, अगर आपने प्रॉपर एक रेफरेंस फ्रेम चूज कर लिया है तो उस रेफरेंस फ्रेम से वो तीनों इक्वेशन जो होते हैं थ्रू आउट वैलिड रहते हैं, चाहे वो ऊपर जाए, ऊपर जाके नीचे आए, या नीचे से ऊपर जा रहा हो, थ्रू आउट वैलिड रहने वाला है। तो ये इक्वेशन तो चेंज होने से रहा, तो ये इक्वेशन अब क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा ऐसा। इसको आप नेगेटिव एक्सिस में ले लें, एक समय ऐसा आएगा जब इसकी वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन पे, नेगेटिव डायरेक्शन पे ये माइनस यू हो जाएगा, ये जो vx है vx इज इक्वल टू माइनस यू हो जाएगा। और ये जो समय t इज इक्वल टू यू बाई जी हमने लिखा था, अब यहां पे जो समय अगर आप चेक करेंगे तो डेट इज 2u बाई जी रहेगा। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ मैंने यहां पे प्लॉट किया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बॉल जो है नीचे से ऊपर जा रही है, मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रही है और फिर से उसी पॉइंट तक आ रही है। अगर हम इसको आगे और देखें तो ये आगे धीरे धीरे और नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और बॉल जब अर्थ को स्ट्राइक करेगा इस पॉइंट पे, ये कोई टाइम होगा सपोज टी, हमको पता नहीं है अभी, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो जो टी समय रहेगा उसके अकॉर्डिंगली यहां पर यह वेलोसिटी को शो करेगा, ये भी एक्स को। तो अभी आपको यह समझ में आया है कि जो कंप्लीट एक ही इक्वेशन से मैं इस पूरे मोशन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, इस पूरे मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर रहा हूं, ये इस पॉइंट से चलना चालू किया, ए पॉइंट से बी मैक्सिमम पॉइंट तक गया, मैक्सिमम पॉइंट से वापस उसी पॉइंट में सी पॉइंट पे आया और सी से फिर ये डी पॉइंट पर चला, नीचे अर्थ पे स्ट्राइक कर गया। ये तीनों जो प्रोसेस है, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं, ये सभी के सभी पॉइंट्स, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि इसको एक ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, u माइनस जी टी ये इसी से रिप्रेजेंट हो रहा है और इसी का प्लॉटिंग हमने यहां पे किया है, इसी की प्लॉटिंग हमने यहां पे किया है। क्या मैं ये प्लॉटिंग जो है, ये जो प्लॉटिंग है, ये क्या फिक्स्ड है, ये ऐसा ही रहेगा ये प्लॉटिंग, क्या इसका कुछ दूसरा फॉर्म में हो सकता है, क्या मैं रेफरेंस फ्रेम चूज करूंगा तो ये प्लॉटिंग चेंज हो जाएगा, या क्या ये जो मोशन है, इस पर्टिकुलर मोशन को इसी तरीके से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, क्या ये मोशन ऐसा ही डिस्क्राइब होगा अगर मैं बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे एक समान लेवल पे, रूफ लेवल पे आने के बाद और नीचे ग्राउंड सरफेस पे जाकर टकरा रहा है, तो उसके लिए ये जो ग्राफ है इसी तरीके से बनने वाला है, कि इस ग्राफ में कुछ चेंजेस हो सकता है एज पर योर चूजन रेफरेंस फ्रेम जैसा आपने चूज किया है, क्या उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ चेंज हो सकता है, तो हमारा आंसर रहेगा यस। हमने जो रेफरेंस फ्रेम चूज किया है उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ खींचा गया है, नो डाउट,
उस रेफरेंस फ्रेम के अकॉर्डिंगली ये पैरामीटर्स को सबको शो कर रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है कि रेफरेंस फ्रेम कहाँ यूज किया गया है। रेफरेंस फ्रेम में एक्स का डायरेक्शन ऊपर की ओर लिया गया है, अलोंग द मोशन लिया गया है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लिया गया है, इन सब चीजों पे ये ग्राफ अपने आप को रिप्रेजेंट करता है उसके अकॉर्डिंगली। तो चलिए देखते हैं कि इसमें रेफरेंस फ्रेम का क्या रोल है। अगर रेफरेंस फ्रेम चेंज होता है तो इस ग्राफ में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन तो हम ये देखेंगे कि ग्राफ में अभी हमने रेफरेंस फ्रेम जो है उस मोशन को दोहराने के लिए जहां से बॉल चालू हुआ था ऊपर की डायरेक्शन में, हमने ऊपर की डायरेक्शन में ही एक्स एक्सिस लिया था। अभी मैं उसको नीचे की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस लेता हूं और पूरे चीजों को एनालिसिस करता हूं। फ्रेंड्स, हमने अभी फिर से उसी एग्जाम्पल को रिड्रॉ किया है और इस पे जो एक्सिस चूज करने वाले हैं अभी वो डाउनवर्ड रहेगा। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को नीचे की ओर चूज किया, सपोज अभी भी वाई एक्सिस इधर है। तो ऐसे एक्सिस चूज करने से हमारे पैरामीटर्स में किस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो यू अभी ऊपर की ओर था, चूंकि हमने एक्स नीचे की डायरेक्शन में लिया इसलिए यू एक्स की वैल्यू अब माइनस यू हो जाएगी। जी की वैल्यू, जी तो अभी भी नीचे की ओर लग रहा है, हमने एक्स एक्सिस ऐसा चूज किया है कि वो नीचे की ओर ओरिएंटेड है वर्टिकली, तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि एक्स अब जीरो हो जाएगा। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन में अगर ये दोनों वैल्यू को पुट करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अगर इसमें मैं वी एक्स लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस जी टी। ये इक्वेशन, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो थ्रू आउट द मोशन वैलिड है। ये पॉइंट यहां से मैक्सिमम हाइट तक, मैक्सिमम हाइट जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के बाद उसी पॉइंट पे वापस आती है, उसी लेवल पे वापस आती है और उसके बाद फिर नीचे स्ट्राइक करती है। अगर यहां पे यू वेलोसिटी ऊपर की ओर था तो यहां पे यू वेलोसिटी नीचे की ओर रहेगा और यहां पे कोई वेलोसिटी होगा जिसको हम भी लिख रहे हैं, किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। अगर यहां से लेकर यहां तक जाने में समय अगर t इज इक्वल टू यू बाई जी समय लिया तो यहां यहां से मैक्सिमम हाइट से उसी लेवल पे जिस लेवल से उसको फेंका गया था वापस आने पे भी t इज इक्वल टू यू बाई जी समय लेगा। मतलब इनिशियल समय t इज इक्वल टू जीरो पे इसको फेंका गया था, वहां से t इज इक्वल टू यू बाई जी समय ऊपर गया और फिर अगेन u by g, मतलब 2u by g समय पे ये अपने वापस उसी लेवल पे आ गया और वेलोसिटी भी वही गेन करेगा, भी इज इक्वल टू मतलब u वेलोसिटी, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में। क्या मैं इसकी प्लॉटिंग कर सकता हूं? क्या इसको मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसको कंपेरिजन कर सकता हूं और उसको प्लॉटिंग करें अभी? तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखें, वी एक्स इज इक्वल टू जी टी माइनस यू और इसकी कंपेरिजन करें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको पता चलेगा कि m के जगह पे अभी g है और वो पॉजिटिव है। पहले वाले केस में m नेगेटिव था, इस वाले केस में m पॉजिटिव है। चलिए m इज इक्वल टू लिख देते हैं पॉजिटिव g। व्हाट अबाउट c? c की वैल्यू अभी है नेगेटिव, वो है माइनस यू। तो अभी एक ऐसा इक्वेशन हम लिखने, एक ऐसा ग्राफ लिखने जा रहे हैं, उस छह ग्राफ जो मैंने आपको बताया था, छह एक ही लाइन ऑफ इक्वेशन जो हमारे स्टैंडर्ड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है उसमें से एक पिक करने वाले हैं और एक ऐसा पिक करने वाले हैं जहां m पॉजिटिव हो लेकिन c नेगेटिव हो। ऐसा ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली ऐसे ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। इधर हो गया हमारा वी एक्स, इधर हो गया समय टी और ये हो गया वो समय वो सी। ये बेसिकली क्या है? सी नेगेटिव सी। नेगेटिव सी की वैल्यू क्या है यहां पे? यू एक्स मतलब माइनस यू, ये वाली यू एक्स मतलब माइनस यू। और ये जो ग्राफ है उसका पॉजिटिव एम है, मतलब ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ है ऊपर की ओर है, इसका पॉजिटिव एम है, स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए इधर की ओर ग्राफ बनेगा। और ये वो समय को बता रहा है जहां पे v इज इक्वल टू जीरो है।
ऐसे समय को हम क्या बोलते हैं, ये मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैक्सिमम हाइट वाले कंडीशन को शो कर रहा है। और मैक्सिमम हाइट पे टी की जो वैल्यू होती है वो होती है यू बाई जी। और उसके बाद अगेन जब ये माइनस यू अब पॉजिटिव यू में चेंज हो गया, आप यहां पे चेक कर रहे हैं, देखिए इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनिशियल यू जब फेंका गया था वो माइनस था, लेकिन जब वापस घूम के आया तो यू और एक्स का डायरेक्शन सेम है, मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि कोई समय पे ये अगेन एक यू सिलेक्ट करेगा, ये वाला यू, और उस समय जो टाइम रहेगी वो टाइम रिप्रेजेंट करेगा यहां के पॉइंट को, और वो हमें पता है वो कितना रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा, 2u/g। उसके बाद ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी और बढ़ती जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन हमने नीचे की ओर सिलेक्ट किया इसलिए बढ़ती जा रही है, और वो कोई भी अटेंड करेगी जब ग्राउंड सरफेस पे गिरेगा तो ये भी कुछ अटेंड करेगा, ये जो है ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस भी को बता रहा है। और उस समय कोई टाइम होगा, सपोज ये टाइम होगा टी, वो हम निकाल सकते हैं, तो वो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि अभी ग्राफ चेंज हो गया है, इस ग्राफ को ध्यान दीजिए, ये ग्राफ नीचे की ओर शो हो रहा है, इसका स्लोप नेगेटिव स्लोप शो हो रहा है, वहां पे स्लोप पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन में चेंजेस आ गए हैं। बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूं मोशन तो हमारा सेम है, बॉल को रूप से फेंका गया है, बॉल को रूप से फेंकने के बाद मैक्सिमम हाइट अटेंड किया है, मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद अगेन जिस रूफ लेवल से फेंका गया था उसी रूफ लेवल को उसने अटेंड किया है, और थोड़े समय बाद धरती पे अर्थ सरफेस पे धड़ाम से गिर गया है। मोशन सेम है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मैं डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन फ्रेम डिपेंडेंट होता है, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है दोनों केस में सेम है। आप यहां भी देख रहे हैं यू हम निरूपित कर रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड अगर यू इज इक्वल टू 2 m/s है तो यहां पे भी यू इज इक्वल टू 2 m/s है, इधर की ओर भी यू इज इक्वल टू 2 m/s है, तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, टाइम की जो चर्चा की जा रही है, टाइम इंटरवल की जो चर्चा की जा रही है वो भी सेम है, बस थोड़े लुक्स अलग है। लुक्स इसलिए अलग हुए क्योंकि हमने रेफरेंस फ्रेम में एक्स एक्सिस का डायरेक्शन चेंज किया है। तो हमको ये समझ में आया, ऐसे अपने मन में लेके मत चलिए कि ये मोशन के लिए मैं वाला ग्राफ बना दूंगा, इस मोशन के लिए ये वाला ग्राफ रहेगा, नहीं, मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कैसा रेफरेंस फ्रेम का डायरेक्शन सेट किया है, रेफरेंस फ्रेम के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ये ग्राफ बनी है। एक मैं थर्ड टाइप भी ग्राफ बताने वाला हूं अभी आपको, इसको थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, और वो मॉडिफाई कैसे कर सकता हूं, अगर मैं रेफरेंस फ्रेम यहां चूज कर लूं अर्थ सरफेस पे, और उसमें भी दो टाइप हो सकता है, आप ऊपर की ओर चूज कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन या नीचे की ओर चूज कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन, उसके अकॉर्डिंगली भी ग्राफ चेंज हो जाएंगे। तो अभी हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, चलिए उसके अंडरस्टैंडिंग लेके देखते हैं कि ग्राफ में क्या चेंजेस आती है, क्या वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, अभी उसको समझते हैं। अभी चलिए ये देखते हैं कि अगर हम यहां पे एक्सिस लेते हैं तो क्या ग्राफ में कुछ चेंजेस आने वाला है। ये जरूरी नहीं कि चेंजेस आए, मे भी आ सकता है अगर अफेक्ट होता है उससे। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक एक्सिस चूज करता हूं, सपोज मैं इसको येलो कलर से एक्स एक्सिस को दिखा रहा हूं, और इधर की ओर मैंने वाई एक्सिस चूज किया, तो इस एक्स एक्सिस के कारण क्या वी एक्स में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो वी एक्स इज इक्वल टू सॉरी यू एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव यू हो जाएगा, एंड और ए एक्स इज इक्वल टू हमारा माइनस जी हो जाएगा। यहां पे एक्स नॉट है, एक्स नॉट की वैल्यू, ये जो एक्स नॉट है जहां से मोशन स्टार्ट हो रही है, यहां से मोशन स्टार्ट हो रही है, इस डिस्टेंस को अगर मैं एच लेता हूं तो ये हो जाएगा एच, एक्स नॉट इज इक्वल टू एच। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए ये पैरामीटर्स अगर मैं फिट करूं तो वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस यू माइनस जी टी,
मतलब हमने जो पहले डिस्कशन किए थे उसके अकॉर्डिंग होगा, मतलब ये वाला जो हमने अभी डिस्कशन किया था, यही ग्राफ इस नीचे वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी सही है अगर उसमें एक्स डायरेक्शन ऊपर की ओर है। अगर मैं इसमें एक्स डायरेक्शन नीचे की ओर कर देता हूं ऐसा, तो ये वाले ग्राफ सही हो जाएंगे। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पे नीचे पे लूं या ऊपर पे लूं तो ग्राफ के फॉर्म में ज्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है। पहले जो दो ग्राफ हमने देखा था वही ग्राफ बेसिकली यूज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये दोनों केस से आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि अपने मन में ये ग्राफ याद ना करें, ये ग्राफ को प्लॉट करना सीखें, उससे अंडरस्टैंडिंग लेना सीखें कि ग्राफ बताती क्या है। इसका स्लोप आप किसी भी पॉइंट का, मैंने बताया था ना आपको कि डी यू बाई डी टी रिप्रेजेंट करता है ए एक्स को। अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट, इन जनरल मैं कोई भी पॉइंट की बात करूं और मैं वहां पे डी यू बाई डी टी निकालना चाहूं, डी वी एक्स बाई डी टी निकालना चाहूं, तो वो वैल्यू कॉन्स्टेंट आने वाली, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप कॉन्स्टेंट होता है। तो यहां पे स्लोप कॉन्स्टेंट है, अर्थात इसमें जो एक्सेलरेशन है डी वी एक्स बाई डी टी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए एक्स को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट है। यहां पे भी मुझे वही चीज मिल रहा है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट तो है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने एक्सिस वैसा चूज किया हुआ है लेकिन वैल्यू सेम है। तो ये सब चीजों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इन दोनों ग्राफ से। हमको पहली अंडरस्टैंडिंग तो ये भी आई कि ग्राफ जो है, जो ग्राफ हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, जो मोशन हम प्लॉट करने वाले हैं, उसमें जो इक्वेशंस हम लिखते हैं बेसिकली वो फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं। फ्रेम अगर उसके डायरेक्शन को हम अपवर्ड या डाउनवर्ड लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ के लुक्स चेंज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी अभी भी एज इट इज है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे इस ग्राफ से मिल रही है वही इन्फॉर्मेशन इस ग्राफ से मिल रही है। अगर मैं बेसिकली आपको ये बोलना चाह रहा था कि अगर आपको इस टाइप से पूछा जाए कि ये उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, बॉल को ऊपर रूप से ऊपर फेंकना और बॉल का धरती पे नीचे गिरना, क्या उसको रिप्रेजेंट करता है, तो आपका आंसर रहना चाहिए हाँ। क्या ये रिप्रेजेंट करता है, तो बोलेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि हमने तो रेफरेंस फ्रेम अलग अलग लेके ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी मैं आपको बता सकता हूं कि वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कब होता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन का कोई रोल ही ना हो, एक ऐसा मोशन हो रहा हो और उसमें एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि मान लीजिए एक ऑयल बाथ है, ये एक लॉन्ग ऑयल बाथ है, ऑयल ट्यूब ऐसा मान लीजिए, एक लॉन्ग ऑयल ट्यूब है, इसमें ऑयल भरा हुआ है और इसकी लंबाई, इस ट्यूब की लंबाई बहुत ज्यादा है, और इस पे अगर एक स्फेरिकल शेप का एक बॉल, ये जो बॉल है वो स्फेरिकल शेप का है, मेटालिक बॉल है, समझ आइए, मेटालिक स्फेरिकल बॉल अगर इस पे ड्रॉप किया जाए तो कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, भी जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, चलिए वी एक्स लिख देते हैं, तो वी एक्स कांस्टेंट हो जाता है। इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये हमारे प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं। अगर एक लॉन्ग ट्यूब आप ले लेते हैं, लॉन्ग ट्यूब पे ऑयल भरा होता है और उस पर एक छोटा सा मेटालिक बॉल आप ड्रॉप कर देते हैं, तो कुछ समय बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब एक्सेलरेशन रहा ही नहीं। तो अगर इस फॉर्मूला में अगर हम लिखना चाहें वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स तो रहा ही नहीं, तो बचा क्या, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स। और इसके लिए अगर मैं ग्राफ खींचना चाहूं, ऐसे एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ खींचना चाहूं, तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो रहेगा इस तरीके से रहेगा, समय के साथ उसमें किसी प्रकार की वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर होने चाहिए किसके लिए क्या ग्राफ मिलने वाला है। आपको यहां पे क्लियर बोला गया है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ग्रेविटी का जो रोल है यहां पे कुछ इस तरीके से हो रहा है, फोर्स इस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं आपस में कि उस ग्रेविटी का रोल नहीं रह गया है।
यहां पे नो डाउट, यहां पे अभी भी जी लग रहा है, आप ये ध्यान रखिएगा, अभी भी यहां पे जी लग रहा है, लेकिन यहां पे मैं ax इज इक्वल टू जी नहीं ले रहा हूं। मैं बेसिकली इस एग्जांपल से आपको ये समझाना चाह रहा था कि मैं यहां पे ax इज इक्वल टू जी क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ और भी फोर्सेस लग रहे हैं, और वो जो फोर्स है इस ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है उन दोनों को बैलेंस कर दे रहा है। मतलब आप ऐसा मान के चलिए कि नेट फोर्स इसमें जीरो है। अब नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन डेवलप हो नहीं सकता, तो इसलिए इसमें एक्सेलरेशन है नहीं। तो इसमें जब एक्सेलरेशन है नहीं इसलिए ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गिर रहा है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, वी एक्स बाई टी का ग्राफ एक कांस्टेंट रहेगा, ऐसा एक लीनियर लाइन, और वो भी हॉरिजॉन्टल, स्लोप जीरो वाला। मतलब यहां पे क्या रहेगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप से जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने वाली बात है। और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे ग्राफ जो हमने थर्ड इक्वेशन जो मैंने बताया उसका हम स्टडी करेंगे, और उसको भी सिमिलरली इसी फैशन में स्टडी करेंगे। पहले एनालिटिकल वे में देखेंगे, देन हम मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड पैराबोला फॉर्म होता है हम उसमें देखेंगे, और उसके बाद फिर एक एग्जांपल लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यार ये बताता क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो तब तक के लिए आज की क्लास को अच्छे से स्टडी करिए, अपने मन में धारण करिए कि हमने क्या क्या बताया, ग्राफ क्या एक्सप्लेन करता है। थैंक यू।